अपने सैडल बैग रेडी हैं, अच्छे से लग गए हैं। यहाँ पे अपना टैंक बैग लगाना है, फिर निकल जाएंगे, डन हो जाएगा मामला। धूप बहुत ज़्यादा, मौसम साफ है, तो आज अच्छे से निकल पाएंगे। भाई बहुत मन से हमारे लिए कॉफ़ी बना के लाए हैं, उन्होंने बोला है टेस्ट करके पक्का बता के जाना। सो गाइस, लास्ट रेन बीर, यहाँ से निकल रहा हूँ आज, और ऑलमोस्ट 10 घंटे का रास्ता है। और मेरा सोलो ट्रिप बहुत बेहतरीन रहा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो कंपैरिजन नहीं करते, लाइक मैं, हर्षु और हम सब ग्रुप आते हैं तो हम मज़े करते हैं बहुत, बट जब आप सोलो करते हो तो यू कैन एक्सप्लोर मोर, यू कैन कम्युनिकेट मोर। ऐसे मेरी तरह आप इंट्रोवर्ट थे, लोगों से बात नहीं करते थे, तो आप यहाँ के कर सकते हो। गेम्स एक पार्ट है जिसमें आप एक साथ हो जाते हो, पैराग्लाइडिंग करने गए वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि सभी सोलो हैं तो मैक्सिमम टाइम भी बात करते हैं आपसे। मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग, जितना डर था सारा ख़त्म हो गया। सो जितनों को डर है भाई ख़त्म कर लो। घर जाने का वक्त आ गया दोस्तों, किट वेट सब पहन लिया है, मुझे अपना बस वॉलेट चेक करना है और उसे ऊपर रखना है, एक प्रोटीन बार ऊपर रखना है। गाइस बहुत सुंदर जगह है, आई विल रिकमेंड यू, सोलो आओ तो भी आना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जगह बहुत बढ़िया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं बच्चे, यहाँ से स्लाइड करके आना नीचे, मैंने नहीं करा है, थोड़ा गीला हो रखा था। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी आपकी, मज़ा आ गया। नहीं कम ही होगा इसमें, इसका ना टैंक छोटा है, बहुत पेट्रोल पीती है भाई। एक तो बाइक पहले से भारी है और इतना सामान लोड करके तो एक्सट्रीम भारी हो जाती है। चलो गाइस, सुंदर वादियों को बाय बाय करते हुए निकलते हैं घर की साइड। अपनी थार याद आ गई। ये लैंडिंग साइट है, ठीक है, यहीं उतरा था मैं, यहाँ कैफे में रुका था। यहाँ पे वेदर ऐसा ही है, अभी क्लाउडी दिखा रहा है सन पूरा, बट क्लाउडी हो रखा है, हवाएं चल रही हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, तो जल्दी निकल लो तो बढ़िया। फाटक है, फाटक ये वो है जो मिनी ट्रेन सफर होता है ना यहाँ से मनाली तक का, टॉय ट्रेन का सफर कर सकते हैं आप। यहाँ पेट्रोल भी महंगा है थोड़ा यार, ये तो बहुत धोखा हुआ, मेरे को तो लगा पूरी खाली होगी, इसमें तो है भी बहुत था तेल इसमें। हाँ अरे इसकी टंकी छोटी है, एकदम से धोखा दे देगी कहीं ये। कई घंटे बचे थे और शरीर टूट चुका था, तो यहाँ पे फलूदा खाया था जो रास्ते में पड़ते हैं, और रास्ते में ना बहुत सारी जगहें पड़ती हैं, अगर मैं आपको एक एक करके दिखाने लगा, मतलब पहाड़ों पे तो घुसते ही सारी वादियाँ ही होती हैं, तो आप जितना रिकॉर्ड कर लो उतना कम है। तो मुझे हर टाइम ये फोमो होता है कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ, मैं ये मिस ना कर दूँ, मैं वो मिस ना कर दूँ दिखाना आपको, बट जितना मुझसे हो सकता है आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइस, और कुछ भूल चुका हो तो माफ़ करना। वैसे होगी नहीं,
लास्ट टाइम आया था ना, तो पिछली बार तो मैं आया था तो मैं दूसरी साइड से आया था, और ये वाला रास्ता तो पूरा बन रहा है। मैं आया था लोकल गांव वाले रास्ते से। गाइस ये ब्रिज था, ये ब्रिज, इस ब्रिज पे फंसा रहा ड्रोन शॉट लेने के चक्कर में 1.5 घंटा। चलो जय बजरंगबली, जय शिव जी। सुंदर रास्ता यार, कितना प्यारा काम। बाइक से जरूर ट्रिप करना इस रास्ते पे, बहुत स्मूथ रास्ता है, बहुत बहुत मज़ा आएगा बाइक से। मैं वो फील कर रहा हूँ मज़े, तो तुम सब कर सकते हो मज़े, तो करना भाई। गाइस बीच में इतनी कंजेस्टेड जगह भी आएंगी, बस वाले को थोड़ा और ऊपर से काटना तो निकल पाती। निकाल लो अंकल निकाल, अरे बस कर बस। अरे यार जी, इस साइड तो बहुत जगह थी, नए ड्राइवर होंगे इस रूट के। अभी पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं है हमें, अभी हमारी बाइक चलेगी। चंडीगढ़ 155, ऊना 35, दिख रहा होगा आपको सब नीचे। बस उतरने वाले हैं पहाड़ों से। जो सोचा था अभी तक जितना लेट में निकला था उसके अकॉर्डिंग मैंने यही सोचा था कि मोहित सुन पहाड़ से नीचे उतर जा दिन दिन में, फिर हाईवे पे देख लेंगे। बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फिर हाईवे पे भी ट्रक चलने लग जाते हैं, बैंड बज जाएगी, इतना लेट नहीं करना। यही रास्ता भटका था मैं, अब आएगा फाटक। भाई बच गए, फाटक खुले। उस दिन गर्मी में इस फाटक पे जो बुरा हाल हुआ था मेरा, 20 मिनट खड़ा रहा था, 20 मिनट, और ट्रैफिक उस दिन तो इतना गंदा जाम था। पर भाई बाइक में ये तो है साइड से निकल जाते हैं, गाड़ी में तो जहाँ जाम लगा वहाँ लगे ही रह गए। गाड़ी के साथ ट्रैवल में दिक्कत होती है, पर गाड़ी और चीज़ों में सेफ है यार। बारिश आ जाए कुछ आ जाए, बारिश आती हो ऐसा लगता है कि चलो भाई बारिश आके दिक्कत हो जाएगी, सारा सामान एक बार के लिए तो कवर करना ही पड़ेगा। वैसे वाटरप्रूफ हो, पर तब भी यार फर्क तो पड़ता है, स्पीड स्लो जाती है बारिश में बाइक चलाने की, बंदा इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता, शीशे वाइजर पे पानी लग रहा होता बार बार, उसके बाद थोड़ा स्लिपरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो और तमीज से चलानी पड़ती है, स्पीड स्लो होती है। बट गाड़ी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी में स्पीड स्लो होती है पर उतना डर नहीं लगता जितना बाइक पर जाता है, मामला ख़राब। एक ब्रेक लिया है छोटा सा प्रोटीन बार का, यहाँ से निकलेंगे सीधा अम्बाला रुकेंगे कुछ खाने के लिए, वहाँ पे गैप देंगे। अभी बहुत थक गया था यार, एग्जॉस्ट हो गया था बाइक चलाते चलाते, थक चुका था और भूख इतनी गंदी लग रही थी ना, ये बचाएगा मुझे भी। इसके बाद अम्बाला जाके कुछ खाते हैं। गाइस गूगल मैप की वजह से 20-30 मिनट खराब हो गई, पता नहीं इसने कहाँ, ये चंडीगढ़ के आउटर से रास्ता गया था पिछली बार तो हम रूपनगर बाहर बाहर से, अब खैर इसने जीरकपुर सीधा नहीं दिखाया, अंदर से दिखा दिया रूट, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मोड़ बैंड वो मोड़ छोड़ दिया, मुझे लगा सही दिखा रहा हो, देन आगे जाके देखा भाई ये तो सेक्टरों की साइड ले आया। गूगल मैप के भरोसे तो रहो गाइस, पर साथ साथ देखते चलो, ये कभी कभी ना धोखा देता है, और गुड़गांव साइड में तो बहुत ज़्यादा देता है। गूगल मैप एक ऐसा दोस्त है जो साला काम पे कभी मतलब काम नहीं आता ना, जो काम के टाइम पे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता काम आए। मैं बताऊं, देखो जब आप बहुत टाइम होगा आपके पास ज़िंदगी में, आपको लगे आराम से पहुंचता हूँ, पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं, आराम, बहुत बहुत टाइम, बहुत टाइम, उस दिन आपको गूगल मैप
इतना प्यारा रास्ता दिखाएगा, वाह आप खुश हो जाओगे। आप टाइम से ना 10 मिनट पहले पहुँचोगे, जिस दिन आपको कोई जल्दी नहीं थी उस दिन आप 10 मिनट पहले पहुँचोगे और कहोगे यार गूगल मैप ने यार बढ़िया चीज़ है, मज़ा आ गया। जैसे ही जिस दिन आपको काम आ गए ना, मतलब जिस दिन आपको दुनिया के सारे कष्ट आप पे हैं, मतलब आज आप दुखी हो, आप टूट रहे हो, आप जूझ रहे हो, आपको कैसे भी करके वहाँ पहुँचना है और आपकी मतलब आप जवाब दे चुके हैं शरीर पर पहुँचना है, उस दिन गूगल मैप अपनी औकात दिखाएगा आपको, जो रास्ता सीधा होगा ना उसे ABCD बनाए खेलेगा। और ये फैक्ट है भाई, यही होता है, यही करता है गूगल मैप, ऐसा मजे लेता है ना सर, दुनियादारी के चार चक्कर कटवा के लेके जाएगा, बेइज्जती करवाएगा। वही दोस्त जो खड़े टाइम पे धोखा देता ना, वो जो 20 मिनट की ऐसी तैसी हुई है ना मेरे यहाँ पहुँचने में, जो मैं बीच में घुसा भाई, बहुत बहुत दिमाग खराब, दिमाग भंड हो गया, भंड। अब कुछ खाना पड़ेगा तब जाके दिमाग ठीक होगा मेरा। गाइस जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई, मिल गई, मिल गई। ओ खुदा भी थी भाई, बर्गर राउंड अबाउट 870 किलोमीटर बाइक चला ली, 870। दोस्तों ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं और अपना ये माइलस्टोन पूरा हुआ सोलो ट्रिप का। ये बहुत 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 भाई बहुत मन था मेरा और ये आप सबको दिखाने के लिए। एंड ये ना देखो, ये सोलो ट्रिप मैं भी ना अभी चलो जल्दी से गैराज पहुंचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गेट खोलो, बाइक अंदर करनी है। ये देखना, वाओ, इसको फिर बाहर निकाल दे या इसको दबा दे या इसको बाहर छोड़ दे। बाइक को बाहर नहीं छोड़ सकते, सामान लगा दो इस पे। इस पे सामान लगा हुआ है ना, तो इसको बाहर निकाल दे। सामान लदा हुआ ले जाए ऊपर। हां लदा हुआ सामान ऊपर ले जाए। गाइस घर पहुंचे बादशाह वापस। बच्चे सो रहे हैं, एक सो रहा है, बच्चे दो। कौन सा जगह है? नमस्ते मम्मी, नमस्ते। आ गया बेटा, टेंशन हो रही होगी आपके तो पूरे टाइम हैं? तो बहुत ही ज्यादा चिंता मनी है। क्यों चिंता किस बात की भाई? क्या? सोलो क्या अकेला जा रहा लड़का? नहीं है साथ में, अकेला क्यों गया? अरे तो चले जाता, कोई बात नहीं। लो पिताजी भी उठ के आ गए। वहाँ तो होते हैं बहुत, वहाँ तो बहुत लोग होते हैं। और भाई कुदरती बाइक ने पंप वंप सब ले गया था, कोई दिक्कत नहीं पड़ी ना, पंचर पुंचर की ना कुछ। बाइक में आग का खड़ी करते हैं हम गैस के बिना, वो वहीं करनी पड़ी, अंदर नहीं आएगी। और ना हम तो दिल्ली वाले चार जने हुए थे। नमस्ते, उसके सिवा एक लड़की थी वो थी यहाँ की साउथ दिल्ली की, वो भी सोलो आई थी, वो भी हमारे साथ हो गई। और एक बड़े अंकल थे, मतलब बड़े मतलब 48, हाँ 48 ईयर के, वो भी हमारे साथ, मतलब हम चार पांच जने हो गए। सो गाइस हम घर आ चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हालत टाइट है। बट ये माइलस्टोन था जो हमने पूरा किया, मतलब मैंने पूरा किया, आपने देखा। पहले तो बताओ आपको ये वीडियोस कैसी लगी मेरी ट्रेवल सोलो की। अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत थैंक यू, अगर नहीं अच्छी लगी तो डेफिनेटली आगे कुछ और अच्छा करेंगे। एंड ये सीरीज़ ना यार, मतलब जो सोलो ट्रिप था ये मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। जो स्टार्टिंग जो थी व्लॉग की वो फैक्ट है, मतलब ऐसा ही होता है। मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स होंगे जो करना चाहते होंगे पर अभी तक कर नहीं पाए। बट जब आप ये कर लोगे ना अचीव, अच्छा लगेगा, मतलब यू विल फील गुड। और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आप लोगों से घुलना मिलना जानते हो, आप लोगों को ज़्यादा समझते हो। बट तब तुम अपने साथ जाते हो तो वही हरकत, मैं ये नहीं कह रहा ग्रुप के साथ मज़ा नहीं आता, वो बहुत अलग मज़ा होता है, बट सोलो इज ऑल्सो फन, वो भी बहुत अलग मज़ा है। मुझे ट्राई करना था एंड आई एम सजेस्टिंग यू गाइज, जिसको भी मन है ना करने का करो, एक बार ही ट्राई करो। हाँ बहुत सारे डाउट होंगे, सेफ है अनसेफ है ये है वो है,
थोड़ी सी स्टडी करके जाओ, मैं ये नहीं कह रहा ब्लंडली ऐसे उठ के चले हो, नहीं नहीं स्टडी करके जाओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जगह कैसे पड़ेगी, चीज़ें पहले से बुक कर लो कुछ। मैं भी अब QR करके गया, एंड अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने 4-5 दिन इसके लिए पहले तैयारी करी थी, क्योंकि पहली बाइक पे सोलो ट्रिप, घर वालों को मनाना, चीज़ें करना, सारी चीज़ें सारे गैजेट सब कुछ लेके चलना कि बाई चांस कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है बाइक पे, बाइक का टायर फट जाए, बाइक में कील घुस जाए, बाइक की बैटरी लो हो जाए, बाइक में क्लच की वायर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, सो चीज़ें होती हैं। एंड मैं गिर जाऊँ, थोड़ी छोटी मोटी चोट लग जाए, तो उसके लिए फर्स्ट एड, हर चीज़, कैमरेज के गैजेट्स की हर एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने सब कुछ कैरी किया था। एंड उसको मतलब इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा, सब कुछ करने में बहुत टाइम लगा, ये सक्सेसफुल हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आपको देख के अच्छा लगा तो बस मैं बोलना चाहूँगा, बस मुझे देखो मत, मेरी तरह आप भी एक बार निकलो घर से और ट्राई करो, मैं दिल से कह रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये लास्ट में मेरे को फुटेज बढ़ाने का कोई शौक नहीं था, वीडियो में ब्लॉग बहुत बड़ा था, बट मुझे लगा ये बात आपसे करनी चाहिए। निकलो बाहर, देखो दुनिया, मज़ा आएगा, नए लोगों से मिलोगे, एंड इट वॉज अमेजिंग। एंड आप सबको देखने को मिला ही होगा कि कितने बढ़िया दोस्त बन गए थे हम सब। सो थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया तो, और ट्राई ज़रूर करना, आई लव यू। मैं इसका प्रिपरेशन का ब्लॉग डाल दूंगा जो मैं कर रहा था, टूटी वूटी क्लिप्स में समझा दूंगा आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। आई लव यू गाइज, बाय बाय बाय।